गाइस आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखा तो पहले इसको देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम मित्याएना वर्सेस एब्सल क्यों हो रहे हैं। काफ़ी कमाल के एनिमेशन और बैटल करवा के दिखाऊंगा मैं आज। रूल्स आपको बता देता हूँ एक और बार फिर से कि मैं 4-4 मूव दूंगा और 1-1 एबिलिटी दूंगा और स्टैट भी बताऊँगा कि किसके स्टैट अच्छे हैं और स्टैट्स में सबसे अच्छा क्या है जिसे जीतने चांस उसके बढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं मित्याएना की। इसकी एबिलिटी है इंटिमिडेट, जिससे यूज़र का अटैक एक लेवल कम हो जाता है जो एब्सल से लड़ने में काफ़ी मदद करा सकता है। स्टैट की बात कर ली जाए तो 420 इसके टोटल बेस स्टैट रहेंगे और जिसमें सबसे अच्छा अटैक हैगा और इसके 4 मूव हैंगे प्ले रफ 90 डैमेज देता है और ये फेल टाइप है जो डार्क टाइप पे सुपर इफेक्टिव रहेगा। दूसरा है टेक डाउन, तीसरा है क्रंच और चौथा है सकर पंच। माना कि चारों मूव तो नहीं मार पाएगा ये, लेकिन अगर इसने पहले सही मूव मार दिया तो इसके जीतने चांस हो सकते हैं अभी भी। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एब्सल इसका अपोनेंट है। एब्सल की एबिलिटी है सुपर लक, जिससे इसका क्रिटिकल हिट लगने के चांस सबसे ज़्यादा होंगे और इसके बेस स्टैट आएंगे 465 और इसमें सबसे अच्छा है अटैक, काफ़ी अच्छे है अटैक तो इसके। इसके बेस्ट मूव है फ्यूचर साइट 120 डैमेज के साथ, रोजर विंड 80 डैमेज, सकर पंच और स्लैश 70 डैमेज। माना इसके मूव कुछ सुपर इफेक्टिव या ख़ास तो नहीं है, लेकिन ये फिजिकल डैमेज वाला पोकेमोन हैगा और ये सकर पंच और स्लैश इसका यही काम करेगा। तो गाइस आपको आपका विनर मिल चुका होगा और मैं बताता हूँ कि कैसे। जब मित्याएना प्ले रफ इस्तेमाल करने वाला था तब उसने स्लैश मार दिया क्योंकि फास्ट हैगा तो उसने पहले मार दिया और जिससे वो फ्लिंक्ड हो गया। तो उसने क्रंच तो मारा लेकिन उसके बाद भी वो डैमेज हुआ और यहाँ पर दोनों का टाई चल रहा था, लेकिन वो पहले डैमेज था इसलिए ये हार गया। आपको आपका विनर मिल चुका होगा। अगर प्ले रफ लग जाता तो एब्सल हार जाता। तो अब अगली बैटल होगी, ये फाइनल बैटल है एब्सल वर्सेस होंडूम के बीच में।